एक कहावत है, बंदर की बला तबेले के सब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और बंदर की बला तबेले के सर का आपको विस्तार से मतलब समझाता हूं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें मैंने इस बात का खुलासा किया था कि एक नौजवान है जिसने फर्स्ट डिवीजन में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की है, उसने नाटक का इम्तहान भी उत्तीर्ण किया है, उसके बावजूद तकनीकी कारणों से उसका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्ट की तरह रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। तकनीकी कारण अपनी जगह सही है, नियम कायदों का पालन होना चाहिए, खुला खेल फरूकाबादी नहीं होना चाहिए। अब जब से ये वीडियो सामने आया है, मुझे और बहुत सारे ऐसे लोगों की जानकारी मिली है जो डिग्री लेके बैठे हैं आर्किटेक्चर की, और लेकिन इन्हीं तकनीकी कारणों से उनका आर्किटेक्ट की तरह रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स जगह जगह ऑफिस खोल के बैठे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भोपाल के 70 साल के आर्टिस्ट ने अखबारों में अपनी छपी हुई खबर सोशल मीडिया पे शेयर की थी जिसमें उसने अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लगा रखा था। ये फर्जी आर्किटेक्ट खुलेआम अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लगा रहे हैं, और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो चाह रहे हैं कोई इनकी लिखित में शिकायत दे। दूसरी तरफ बीआरएच की डिग्री लेकर हमारे नौजवान साथी आर्किटेक्ट की तरह पंजीकृत होने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। मुझे बताया गया है कि देश में बहुत सारे ऐसी आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बगैर नाटा या बगैर जेई पेपर टू के इम्तिहान का पास किए हुए लोगों को अपने एडमिशन दे रहे हैं। अब इस फ्रॉड को कौन रोकेगा? बहुत से लोग कहते हैं जी आप फ्रॉड में उलझते क्यों, आप फंसते क्यों हो, आप नाटा का इम्तिहान क्लियर क्यों नहीं कर लेते, आप किसी भी इम्तिहान में बैठ रहे हो, किसी भी संस्था में एडमिशन ले रहे हो, आपको नियम कायदों का पालन करना चाहिए, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों देश में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस बात पे भरोसा करते हैं जो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स या प्रोफेसर्स उनको बताते हैं। और कोई ऐसा कारण नहीं भी होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल की या डायरेक्टर की बात पे भरोसा ना करें, बाद में उनको पता चलता है कि उनको झूठ बोला गया। इस तरह के फ्रॉड को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हर उस छात्र को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जिसका आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन होता है। हर कॉलेज, जितने आर्किटेक्चर कॉलेज में उसने एडमिशन किया उसकी पूरी लिस्ट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भेजता है। तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास वो सारा डेटा है जिससे उसको पता चल जाता है कि कितने छात्रों का एडमिशन हुआ, कितनों को उन्होंने एनरोलमेंट नंबर इशू करा। तो सारी जानकारी जब रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है, रेगुलेटरी बॉडी के पास है, तो वो छात्र 4 साल या 5 साल तक कैसे कंटिन्यू करते हैं उस आर्किटेक्चर कॉलेज में अपनी पढ़ाई को? एक तरफ फर्जी आर्किट्स पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अपने दफ्तर खोल के बैठे हैं, उनकी पकड़ धकड़ नहीं हो रही, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। दूसरी तरफ क्वालिफाइड लोगों को हम रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे तकनीकी कारणों से। पिछले कुछ सालों से आर्किटेक्चर में प्रवेश लेने वालों की
संख्या घटती जा रही है, इंजीनियरिंग में बढ़ती जा रही है। ये इंजीनियर्स जगह जगह फिर आर्किटेक्ट के दफ्तर खोल के बैठेंगे, कानून के अनुसार उन पर कोई बंदिश नहीं है भवन निर्माण करने की, लेकिन उन पर बंदिश है अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लगाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों से अपेक्षा रखना या उनके पेरेंट्स से अपेक्षा रखना कि वो फ्रॉड में ना फंसे, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो फ्रॉड करने वाला होता है वो जिसके ऊपर फ्रॉड होता है उससे ज्यादा चतुर है, तभी वो फ्रॉड कर पाता है। जो कॉन मैन होता है वो तभी लोगों को लूट पाता है, ठग पाता है, क्योंकि वो उन लोगों से ज्यादा सतर्क है, ज्यादा चतुर है। बहुत सारे फ्रॉड इस प्रकार के होते हैं जिसमें पुलिस वाले भी शिकार बन जाते हैं, जजेस शिकार बन जाते हैं, IAS ऑफिसर शिकार बन जाते हैं। तो हम उनकी खिल्ली उड़ाएं या उनका मजाक उड़ाएं कि अरे आप पढ़े लिखे होके फंस गए, आप पढ़े लिखे होके ये काम आपने क्यों किया, पढ़े लिखे होकर आपने सभी नियम कायदों की जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की, ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। बंदर की बला तबेले के सर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें दंडित किसको करना चाहिए, दंडित उसको करना चाहिए जिसने छात्रों के साथ फ्रॉड किया। और हम दंडित किसको कर रहे हैं, हम दंडित उसको कर रहे हैं जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जिसके परिवार की खून पसीने की कमाई 5 साल की पढ़ाई पर खर्च हो गई, फीस पे खर्च हो गई, उनकी हॉस्टल की फीस पे खर्च हो गई, हम उनको दंडित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में इस बारे में कोई ऐसे कड़े दिशा निर्देश नहीं है जिनके कारण से हम उन छात्रों को, उन लोगों को जिन्होंने BRC डिग्री प्राप्त कर ली है लेकिन तकनीकी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से नाटक का इम्तिहान उन्होंने समय पर नहीं दिया, उन्हें हम रजिस्ट्रेशन ना दे पाए। आज भी देश में जगह जगह बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने बिगर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करे हुए लोगों का एडमिशन दे रखा है। इन सारे आर्किटेक्चर कॉलेज की बड़ी सुगमता से जांच हो सकती है, जब आप एनरोलमेंट नंबर, कितने छात्रों को इश्यू किया, कितने लोग उनके रजिस्टर में, उनके कॉलेज में दर्ज हैं, कितने लोग वहां पर पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या का अगर आप मिलान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये काम रेगुलेटरी बॉडी का है, और अगर रेगुलेटरी बॉडी ने इस काम को सुचारू रूप से निभाया होता तो आज इस प्रकार की कठिनाइयां सामने नहीं आती कि BRC की डिग्री लेके कुछ लोग धक्के खाने को मजबूर हैं, क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकते। मैं सारी बात आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा, मैं इस झमेले में नहीं पढ़ रहा कि उस टाइम काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर का प्रेसिडेंट गडकरी साहब थे, विश्व रंजन नायक जी थे या विजय गर्ग जी थे, किसके कार्यकाल में सारी गड़बड़ियां हुई, किसके कार्यकाल में गलतियां हुई, मुझे इस झमेले में नहीं पढ़ना, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि गलतियां किसके कारण हुई, लेकिन हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। मैं जब हम कहता हूं तो हम में मैं भी शामिल हूं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर भी शामिल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट भी शामिल है, और सारा आर्किटेक्चर संप्रदाय शामिल है। मैं किसी को दोषी ठहराने का कायल नहीं हूं, मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं आग्रह कर सकता हूं, मैं याचना कर सकता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि उन क्वालिफाइड लोगों को डिग्री प्रदान की जाए जिन्होंने, उन क्वालिफाइड लोगों को जिनके पास डिग्री है उनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाए, ताकि
उनका भविष्य अंधकार में ना रहे। कल को हताशा में, डिप्रेशन में, समाज के ताने सुनने के बाद इनमें से कोई व्यक्ति कोई गलत कदम उठा लेता है तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, अपनी राय से अवगत कराएं।